दोस्तों देखिए, हमने आपके लिए मैथ की जो त्रिकोणमिति की है उनकी दो एक्सरसाइज करा दी हैं। आज हम करेंगे 10th क्लास की त्रिकोणमिति की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में जो सवाल है वो पेपर के लिए एक सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सवालों में से चाहे वो इंटर का हाई स्कूल का पेपर हो या कंपटीशन जैसे ईयरबोर्ड्स का एक कोई भी पेपर हो, उसमें एक सवाल डेफिनेटली इसमें आता ही आता है। और वो सवाल जो है, जैसे हमने आपको चतुर्थांश बताए थे, वो जो सवाल है वो आपका चतुर्थांश से रिलेटेड है। जैसे चतुर्थांश से संबंधित है, जैसे पहला ये चतुर्थांश हो गया आपके, ये उस दिन हमने समझाए थे पहली वीडियो में, ये 90 माइनस थीटा और ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब देखिए, जैसे सवाल किस टाइप के आते हैं, जैसे पहला सवाल है, जैसे एक्सरसाइज नंबर हमारी है कितनी 8.3। अब देखिए, जैसे पहला सवाल है हमारे, पहले सवाल में हमारे चार ऑप्शन है, तो उनमें से देखो एक ऑप्शन कौन सा है। जैसे एक सवाल आ गया, जैसे आपका साइन 42 अंश बटे साइन 42 अंश बटे कॉस, साइन 42 अंश बटे कॉस 48 अंश। अब हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखिए, अगर आपको ये दिख जाए ऊपर साइन नीचे कॉस और ऊपर नीचे हो और इन दोनों कोणों का योग यदि 90 अंश हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है, एक। साइन कॉस होगी तो एक, टेन कॉट होगी तो एक, और सेक कोसेक होगी तो एक। यदि अंश और हर के रूप में, यदि यही संख्या माइनस के रूप में होती, काय के रूप में होती, माइनस के, जैसे सेकंड जो टाइप है, जैसे साइन 42 अंश माइनस कॉस 48 अंश, हमें ये देखना है कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 अंश के बराबर है कि नहीं। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इससे जो सवाल आते हैं वो दो ही टाइप के आते हैं, या तो इसे ऊपर नीचे लिखेगा या प्लस माइनस में लिखेगा। प्लस में नहीं लिखेगा, क्योंकि प्लस में लिख देगा तो वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ये देखिए, हमने प्लस में लिख देगा तो इसमें देखिए ये है आपका ऊपर कितनी है साइन 42 और नीचे कितनी है कॉस 48। या तो इसे साइन में चेंज करो या इसे कॉस में चेंज करो। तो हमें देखना है 42 अंश कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले वाले में, और 48 भी कौन से में आएगा, पहले में। 42 किस में आएगा, पहले में, और 48 किस में आएगा, पहले में। तो या तो साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो। तो देखो कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है साइन 42 अंश बटे, ये नीचे लिखा हुआ है कॉस 48, इसे लिख लूं मैं 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 48 ही बचेंगे। अब इसे देखेंगे तो ये हो गया आपका ऊपर तो साइन 42 अंश सही है, नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, यानी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस 90 माइनस थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 42 अंश, तो ये कितना हो जाएगा साइन 42 अंश, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक आ गया। एक पहला टाइप तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे टाइप में सवाल, जैसे ये है साइन 42 और कॉस 48, इनमें से एक को चेंज कर लो, या तो साइन को कर लो या कॉस को कर लो। तो देखिए साइन 42 अंश माइनस, साइन 42 अंश माइनस, इसी को लिखेंगे यहाँ कॉस 90 माइनस 42, यानी आप 90 माइनस 42 आए, इन दोनों कोण, ये जो जिस कोण को चेंज करना है, जैसे हमें साइन चेंज करना है तो 48 घटाएंगे, कॉस चेंज करना है तो 42 घटाएंगे। अब यहां से हमने देखा ये कितना हो गया आपका साइन 42 अंश माइनस कॉस 90 माइनस, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का एक बराबर होता है साइन थीटा की, तो ये कितना हो जाएगा साइन 42 अंश, और इससे ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यानी जो आपके पेपर में जो सवाल आते हो इससे दो ही टाइप के सवाल आते हैं, या तो ऊपर नीचे अंश और हर के रूप में आएगा या माइनस वाले में आएगा। यदि ये प्लस में आ जाता तो यहाँ क्या हो जाती, प्लस हो जाती, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, तो ये साइन 42 और ये साइन 42 हो कितना हो जाता, 2 साइन 42 हो जाता, ये कितना हो जाता 2 साइन 42। तो हमें क्या करना है, हमें जो पेपर में जो सवाल आती है 2 साइन 42, जो प्लस वाला फॉर्मूला है वो प्लस से जो सवाल है वो बहुत ही कम मिलता है, या तो ऊपर नीचे मिलेगा या प्लस या माइनस में मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि ऊपर नीचे वाले की वैल्यू कितनी होती है, एक, और माइनस वाले की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बस हमें ये देखना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है या नहीं है, हमें ये देखना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है कि नहीं है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, पहले 2 तो इस टाइप के हैं और अगले 2 जो है आपके वो इस टाइप के हैं, अगले 2 हक हैं वो इस टाइप के हैं। अब इससे नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे हम पहुंचे
तो क्वेश्चन नंबर तीन में हमारे दो सवाल है, क्वेश्चन नंबर दो में पहुंचे तो हमारे क्वेश्चन नंबर दो में कितने सवाल है, दो सवाल है। जैसे कौन कौन से हैं, कि पहला सवाल है उसमें जैसे आपका क्वेश्चन नंबर दो में दो सवाल है, इनमें से हम एक को ही कराएंगे, दूसरे को आप स्वयं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दो में आपके दो सवाल है, एक तो है फर्स्ट और एक है सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखिए पहला जो सवाल है वो है आपका 10.48 -10.42 -10.67 और बराबर ये सिद्ध करके लेके आना हमें कितने के, एक के बराबर सिद्ध करके किसके लेके आना, एक के, यानी इसकी वैल्यू क्या है, एक आएगी। ये इसने हमसे क्या करवाया, सिद्ध करवाया। तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या लेने की जरूरत होती है, LHS। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS। ये LHS होती है और ये RHS। LHS का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होगा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है, LHS लेनी है। तो सबसे पहले इसे हम युक्ति लिख लेंगे कि 10.48 अंश डॉट 10.23 अंश डॉट 10.42 अंश डॉट 10.67 अंश। इसे लिखने के बाद में हमने देखा अब हमें इनमें जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये जोड़ा बनाना है कि हमें जोड़े ऐसे बनाने की दोनों जो दो कोण हम लेंगे उन दोनों कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, 90 अंश हो जाना चाहिए। यदि उन दो कोणों का योग 90 अंश नहीं हुआ तो उन्हें नहीं लेंगे। जैसे 48 और 23 है, ये 90 अंश नहीं हो रहे तो इन्हें नहीं लेंगे। 48 42 ये दोनों 90 हो रहे तो इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। तो इसे हम लिख लें, जैसे इसे लिख लें 10.48 अंश डॉट 10.23 अंश डॉट। इसे लिख दूं मैं 10.90 -48 10.90 -θ, यानी 10.90 -θ पहले जो था 10.90 -θ चेंज होगा। तो 90 में से 48 गए तो वो 42 ही बचेंगे। अब इसमें ला जाओ 10, इसे लिख दूं मैं 90 -23 90 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 67 ही बचेंगे। तो हमने हम यहां से देखा तो ये हमारी 10.48 तो युक्ति रहेगी 10.48 डॉट 10.23 डॉट 10.90 -θ 10.90 -θ 10.90 -θ का एक बराबर होता है cot थीटा के। तो ये कितना हो जाएगा, cot 48 और ये कितना हो जाएगा, cot 23। देखिए ये 10.48 युक्ति और ये 10.23 इसे लिखेंगे, ये 10θ है। अब cot थीटा बताया था 1/10θ, यानी cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10θ। तो यहां लिखेंगे 1/10.48 अंश डॉट 1/10 23 अंश। 10.23 से 10.23 और 48 से 48 कितना बचा, 1। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में कैसे आ गई, बराबर आ गई। तो हम यहां लिखेंगे LHS बराबर है आपकी RHS के। यदि ये बराबर नहीं आती तो ये क्या हो जाता है, डज नॉट इज इक्वल टू, यानी ये दोनों साइड बराबर नहीं है। यानी पेपर में ये सवाल दिया है तो हमें इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS लेने के बाद में ये एक LHS ले ली, LHS लेने के बाद हम इन दोनों में कोणों में ये देखेंगे इन दोनों में से कौन से कोण का मान, यानी ये इन दोनों को हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी इन दोनों का जोड़ा बनेगा और इन दोनों को प्लस करने में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ा बनेगा। अब हमने देखा कि 10.48 का जोड़ा 42 से बन रहा है और 10.23 का 67 से बन रहा है। तो 10.48 लिख दिया, 10.23 लिख दिया, 10.42 का जोड़ा बनना है किससे, 48 से, तो 90 से कितना हटा दिया 48 और 67 का बनना है किससे, 23 से, तो 90 से कितना हटा दिया 23। तो 90 से 23 गए तो 67 और 90 से 48 गए तो 42। अब हमने देखा ये 10.90 -θ हो गया, 10.90 -θ का एक बराबर होता है cot थीटा के, कौन सा ट्रांस में पहले में, तो cot 48 हो गया और ये cot 23 हो गया। अब इसे cot 23 होने के बाद हमने इसे एक cot थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1/10θ के। तो इसे हमने लिख लिया 1/10.48 और 1/10.23। 10.48 से 10.48 कट गया और इससे ये कट गया, तो वैल्यू सभी वैल्यू किस में गुणा में, तो कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। अब देखिए सेकंड जो सवाल है वो प्लस प्लस आया माइनस के, जैसे कोई से दो लिख दिया उनमें से एक में क्या कर दिया प्लस में और एक में क्या कर दिया है माइनस। तो उसे आप स्वयं करेंगे और यदि नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसे हम कल की क्लास में करा देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो किस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब इनमें से हम एक को कराएंगे, या तो क्वेश्चन नंबर 3 को या क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए या तो 3 को कर लीजिए या 5 को कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 ही कराते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसने कहा है 10 2a
बराबर टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 अंश, सॉरी कॉट ए माइनस 18 अंश है। यहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसने कहा है कि 2a क्या है यहां न्यून कोण है तो हमें किसका मान निकालना है a का। तो अब देखिए ये क्या है cot है और इधर क्या है tan, या तो दोनों को cot करो या दोनों को tan करो। तो ये tan जो है इसे मैं cot में चेंज कर लेता हूं, तो इसे लिख लेता हूं मैं cot, जैसे कहीं लिखा हुआ है, जैसे यहां देखिए जैसे कहीं लिखा है tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है cot थीटा के। यदि काउंटर में लिखा हुआ है cot 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होता है tan थीटा के। अब यहां से तुलना करेंगे तो थीटा की जगह कितना है यहां पे 2a है, थीटा की जगह कितना आपका 2a, तो इसे हम लिख लें cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब आप देखिए cot से cot हट जाएगा तो यहां कितना रह जाएगा 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस 18, 2a को उधर भेज दो और 18 को, तो 90 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 3a, यानी 2a उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 3a बराबर आपका कितना हो गया 108, 3a बराबर कितना हो गया 108। और इससे हम इसे देंगे तो 36 दिया कितने होते हैं 108, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 अंश। अब उसने हमसे कहा है कि 2a यहां न्यून कोण है तो हमें 2a की वैल्यू चेक करनी है, वैसे तो आंसर देख लिया हमने कितना आ गया 36, अब हमें यह देखना है कि 2a 36 का 2a की जो वैल्यू है वो न्यून कोण है कि नहीं, 36 a की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 दो नहीं 72 तो न्यून कोण है नहीं है, क्योंकि न्यून कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 अंश से कैसी होती है छोटी होती है, यानी ये वैल्यू 90 अंश से छोटी है तो न्यून कोण है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 36 अंश आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ गया 36 अंश आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो सेम इसी टाइप का, बस यहां sec है और यहां 4 है, यहां sec है और यहां 4 है, और इधर उसने क्या लिखा है cosec लिखा है, यहां इधर उसने क्या लिखा है cosec लिखा है, उसमें आपको क्या करना है उसको स्वयं करेंगे आप। अब देखिए इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया है, वो कैसा आपका, और जो जाते हैं पेपर में लॉन्ग आंसरों में कभी कभी आ जाता है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, तो आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत छोटा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा है tan a बराबर है आपके cot b के, तो सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितना आपका 90 अंश है, यानी आपको सिद्ध क्या करना है कि tan a बराबर कितना है cot b, तो हमको सिद्ध करना है कि tan a प्लस बी का मान कितना होगा 90 अंश के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे tan a और यहां क्या लिखेंगे cot b, sin sin a बटे cos a और बराबर ये क्या हो जाएगा cos b बटे sin a sin b सॉरी sin b, यानी tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin a डॉट sin b बराबर cos a डॉट cos b। आप इन sin वाले पदों को किधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका जो है ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका बराबर जीरो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जीरो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका cos a plus b बराबर जीरो, और cos a plus b कितना है जीरो, तो यहां तो cos है ही है तो a plus b, तो इधर भी cos आनी चाहिए, तो cos में जीरो जो वैल्यू है वो कितने की होती है cos 90 अंश की, तो यहां कितना आ गया cos 90 अंश, cos से cos हट जाएगी तो कितना हो गया a plus b बराबर कितना हो गया 90 अंश, ये भी सिद्ध हो गया आपका। देखिए कितना सरल था, कुछ नहीं किया है बस हमने जो tan थीटा थी उसे sin बटे cos में किया है और cot थी उसे cos बटे sin में किया, दोनों का क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई करके एक को दोनों को एक की तरफ ले आए तो ये क्या बन गया आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन रह गया वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कभी ज्यादातर पेपरों में जो लॉन्ग आंसर जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादातर आपका आ जाता है। जैसे क्या है उसमें देखिए, उसने कहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण है, उसने कहा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण है जैसे उसने कहा है एक त्रिभुज के 3 कोण है ए बी सी के अंतर कोण है तो दिखाइए, तो दिखाइए देखिए इसमें उसने कुछ नहीं दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि ए बी और सी क्या है एक त्रिभुज के कोण है, क्या है त्रिभुज के कोण है, कैसे कोण है अंतर कोण है, कैसे कोण है अंतर कोण है, त्रिभुज के 3 कोण है कैसे कोण है अंतर कोण है, तो उसने सिद्ध करने के लिए क्या दिया साइन
साइन बी प्लस सी बट्टे दो बराबर दिया है कॉस ए वाई टू, बराबर क्या दिया है कॉस ए वाई टू। अब देखिए उसने हमसे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि एबीसी एक त्रिभुज के कोण है, एबीसी क्या है एक त्रिभुज के कोण है और हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा इसके। अब देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इससे क्या करते हैं वो लोग इससे इसे सिद्ध करने लाने की कोशिश करते हैं, यानी इससे इसे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये समर्थता बहुत बड़ा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, वो तो जाएगा लेकिन वो क्या होगा बहुत बड़ा होगा और उससे आंसर भी नहीं आएगा आपका। हमें क्या करना है, हमें इससे ये लाना है ना कि इससे ये, यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले यानी ये जो वैल्यू है वो कहते हैं इसके बराबर है लेकिन इससे ये लेके आनी है, तो ये हो तो जाती है लेकिन ये क्या होती है बहुत बड़ी होती है। अब हमें क्या करना है कि उस देखिए छोटी ये क्या है ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, जैसे हमने ये त्रिभुज बना लिया, क्या बना लिया त्रिभुज बना लिया, यहाँ ए लिख दिया यहाँ बी लिख दिया यहाँ सी लिख दिया, ये तीन कोण है, यानी ये ए है ये बी है ये सी है। अब ये तीन कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहां हम सबसे पहली चीज लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, कितना होता है 180 अंश, क्यों क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। उसने कहा देखो b प्लस सी एक साइड में रखें और a उधर ले गया तो आप a को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब देखिए b प्लस सी के नीचे क्या है बट्टे में दो है और a के नीचे भी क्या है दो है, तो भैया क्या करेंगे दोनों ओर दो से भाग करने पर यानी भाग करने या डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बट्टे दो और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस ए बटे दो। अब देखिए b प्लस सी की संख्या आ रही है साइन, तो यहां क्या ले लेंगे दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे साइन ले लेंगे, तो साइन b प्लस सी बटे दो और ये हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा साइन इसे लिख दूं मैं 180 बटे दो माइनस a बटे दो, तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश के बराबर हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 90 अंश के बराबर हो जाएगी। अब देखिए ये हो गया आपका साइन, ये तो युक्ति दिखा रहेगा क्योंकि इसे तो हमें सिद्ध करके लेके आना है साइन बी प्लस सी बट्टे दो बराबर, ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 हो गई साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा की, और थीटा की जगह कौन सा है ए बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ए बाई टू बट्टे दो। ये देखिए ये हो गया, अब हम लोग इससे इससे करेंगे, ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हमें इन तीनों से ही क्या करना है ये। अब देखिए इसमें तो साइन थी, अगर यहाँ टेन होती तो दोनों पक्षों में क्या लेते टेन लेते, कॉस होती यहाँ तो क्या लेते कॉस लेते, सेक होती तो क्या लेते सेक लेते, कॉस कोसेक होती तो क्या लेते कोसेक। देखिए यहाँ साइन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा कॉस, यहाँ साइन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा कॉस, यदि यहाँ टेन लेंगे तो क्या आएगा कॉट, और यहाँ सेक लेंगे तो यहाँ क्या आएगा कोसेक, यदि यहाँ कॉस होता तो यहाँ क्या आता साइन, और यहाँ कॉट होता तो यहाँ क्या आता टेन, और यहाँ कोसेक होता तो यहाँ क्या आता सेक। अब देखिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेंथ क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी हमारी तीन एक्सरसाइज हो चुकी है, कितनी एक्सरसाइज हो गई है तीन, अब जो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 वो रह गई है, अब उसे हम करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं यदि वो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता देना, इससे क्या है कि हम लोग आपको दोबारा से इन सवालों को क्या करते हैं एक बार रिपीट, यदि कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो उसके आगे भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना रिपीट, तो हम उसे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या कर देंगे रिपीट कर देंगे।